हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध ताप पर कैसे डिपेंड करता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो प्रतिरोध आर है वो ताप पर कैसे डिपेंड करेगा। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए। ये इसका फिगर है, इसमें हमने लिया एक चालक जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस चालक की लंबाई जो आपकी है वो क्या है, L है, और इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि अभी सोए हुए हैं। ठीक, चालक के सिरों का क्षेत्रफल A है और इस चालक में हमने क्या किया है, एक बैटरी लगाई है। अब बैटरी लगाई है तो कुछ ना कुछ इसको विभवांतर देंगे तो परिपथ में धारा बहेगी। ठीक, जैसे ही हम इसमें बैटरी से क्या करेंगे, विभवांतर आरोपित करेंगे, परिपथ में धारा बहेगी। और जैसे ही धारा कहाँ पहुंचेगी, चालक पर। जैसे ही धारा चालक पर पहुंचेगी तो जो इलेक्ट्रॉन सो रहे थे, सोते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जागकर, जैसे इंसान नहीं होता कोई बहुत अचानक किसी ने जगा दिया तो वो अचानक दौड़ने लगता है, या तो हमारे शरीर में ही करंट लग जाए खुद की बॉडी पे तो क्या होगा भाई, झुंझुनाने लगेगा इधर उधर, मतलब उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वो जैसे भीड़ में है, अब उनको करंट लगा, वो इधर उधर भागने लगे तो एक दूसरे से क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। और टक्कर में जो सूक्ष्म वेग उत्पन्न होता है टक्कर के कारण, भाई जब एकदम से भिड़ जाएगा आदमी किसी से तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वेग उत्पन्न होगा, उसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। और जो टक्कर में लगा समय होता है उसे हम कहते हैं शांतिकाल। क्या बोलते हैं, शांतिकाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इसके ऑल ओवर फिगर की। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब टक्कर होती है तो मान लीजिए जो टक्कर में जो समय है, यानी टी समय में अगर आपकी टक्कर हुई है, या जब इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर हुई, भाई वेग तो वी है, तो टक्कर अगर टी समय में हुई है तो समय को हम क्या करेंगे, टाउ से डिनोट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो ओम का नियम लगाने वाले हैं। तो ओम के नियम का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ये ओम के नियम का फॉर्मूला होता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था अपवाह वेग के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था, ओम के नियम की व्युत्पत्ति की थी अपवाह वेग से, तो उसका फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, तो जहां पे m क्या है, m है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, l है चालक की लंबाई, n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और e क्या है इलेक्ट्रॉनों पे आवेश, tau क्या है टक्कर, t समय में जो टक्कर का श्रांति काल है, और a क्या है चालक के सिरों का क्षेत्रफल है। ठीक, सब कुछ आप समझ गए। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, तो अगर हम वी अपॉन आई कर दे तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है प्रतिरोध। आर क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जगह हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं। तो उसी आर का देख सकते हैं आप, आर का जो भाई इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, वो भी एक कांस्टेंट रहेगा, चालक की लंबाई वो भी कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि संख्या तो बदलेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो भी कांस्टेंट रहेगा, और जो चालक के सिरों का क्षेत्रफल ए है वो भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो टक्कर में लगा समय है वो बदलेगा। कैसे बदलेगा, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इसका समय इसलिए बदलेगा भाई, अगर हम वोल्टेज ज़्यादा दे दें तो टक्कर जल्दी जल्दी होगी, और वोल्टेज कम देंगे तो टक्कर कम होगी कम समय में। जितना समय लगेगा तो समय चेंज होगा। तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड करेगा, आपके लगे समय पर, आपके ताप पर डिपेंड करेगा। यानी हम प्रतिरोध को बढ़ा दें तो लगा समय क्या होगा, घट जाएगा। जैसे कि भाई हम क्या करें, 5 वोल्ट विभवांतर दे रहे हैं तो क्या होगी, चालक पे 5 एम्पियर की धारा बहेगी और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे से टक्कर होगी उनमें, भाई धीरे धीरे करंट लगेगा तो धीरे धीरे टक्कर। लेकिन अगर हम 10 वोल्ट विभवांतर दें चालक पे और 10 एम्पियर की धारा बहेगी 10 वोल्ट विभवांतर पे, तो क्या होगा भाई, चालक जो इलेक्ट्रॉन है तेजी से भागेंगे भाई, दौड़ेंगे और तेजी से भागेंगे तो टक्कर और तेज लगेगी। तो समय क्या होगा, समय चेंज होगा, टक्कर का जो समय है वो चेंज होता है, ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा। बाकी सब द्रव्यमान, लंबाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश और चालक को जो सिरों का क्षेत्रफल है वो सब कांस्टेंट होंगे, बस केवल क्या होगा, लगा समय ही कांस्टेंट नहीं होगा। यदि हम क्या करें, समय को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध आर घट जाएगा, और प्रतिरोध आर को बढ़ाते हैं, आर के मान को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, लगा समय घट जाएगा। तो अब हम क्या मान लेते हैं, माना तापमान जो पहला प्रारंभिक तापमान है वो टी डिग्री है, तो प्रतिरोध भी आर डिग्री है। ठीक, यदि तापमान आपका टी हो जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, आर टी हो जाता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगता है प्रतिरोध आर। प्रारंभिक जो तापमान है, माना जो पहला तापमान है प्रारंभिक तापमान वो टी डिग्री है, तब प्रतिरोध आपका आर डिग्री था।
भाई पहले जो तापमान था वो 3 डिग्री था और तब प्रतिरोध आर था, जब हम क्या कर रहे थे, कोई भी आपका वोल्टेज नहीं लगा रहे थे, करंट नहीं लगा रहे थे। तब टेम्परेचर अगर 3 डिग्री है तो भाई प्रतिरोध आर डिग्री है। अब बाद में क्या होगा, टेम्परेचर जब हम इसको भाई जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो क्या होगा, तापमान टी हो जाता है और जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, आर सफिक्स में टी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इनमें प्रतिरोध में परिवर्तन निकालें, आर आर जो आपका टेम्परेचर है आर डिग्री और आर टी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, लास्ट वाले से क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को घटा देंगे, आखिरी वाले प्रतिरोध से क्या करेंगे, पहले वाले को घटा देंगे, तो परिवर्तन निकल आएगा, प्रतिरोध में हो रहा परिवर्तन निकल आएगा। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर डिग्री। ठीक, तो अगर इसी तरह हम तापमान में परिवर्तन निकालें तो तापमान में हो रहा परिवर्तन क्या है, डेल्टा टी और हम इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट वाले से पहले वाले को घटा देंगे, टी माइनस टी डिग्री क्या हो जाएगा, टी माइनस टी डिग्री लास्ट वाले से हम पहले को घटा देंगे। तो प्रतिरोध में हो रहा परिवर्तन किसके अनुक्रमानुपाती होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध के। तो प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है आपका, आर डिग्री, और प्रतिरोध में हो रहा परिवर्तन क्या है, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर अनुक्रमानुपाती होगा और डेल्टा आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर डिग्री के। प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है आपका, आर डिग्री। ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध आपका आर डिग्री है, बाद में क्या हो रहा है, आर टी हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्रारंभिक प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन किसके अनुक्रमानुपाती, प्रारंभिक प्रतिरोध के, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल आर डिग्री। इसको समीकरण एक नाम दे देंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रतिरोध में हो रहा परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन पहले प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती था, अब प्रतिरोध में हो रहा परिवर्तन तापमान में हो रहे परिवर्तन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि हम जो डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता ही सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डेल्टा टी के। तापमान में परिवर्तन हमने क्या निकाला था, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी डिग्री। ठीक, तो इस अब इन दोनों समीकरण को एक और दो हमने नाम दे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो से भाई इस साइड वाले, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर ले लेंगे, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर डिग्री है, और क्या है, डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लगा है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा, कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लेंगे अल्फा, क्या लेंगे, अल्फा लेंगे, यहाँ हमने लिया अल्फा, और क्या लिखेंगे, आर डिग्री डेल्टा टी, जहां पे आपका अल्फा क्या है, ताप गुणांक है, क्या है ये जो आपका अल्फा है, ये क्या है, ताप गुणांक। ठीक, अब आगे हम डेरिवेशन को देखते हैं, डेल्टा आर का मान हम पहले निकाल चुके, क्या किया था हमने भाई, अंतिम प्रतिरोध से हमने प्रारंभिक प्रतिरोध घटाया था भाई, निकाला था हमने तापमान में परिवर्तन और प्रतिरोध में परिवर्तन, तो वही मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, अंतिम प्रतिरोध से हमने प्रारंभिक प्रतिरोध घटाया था, आर टी माइनस आर डिग्री। ठीक है, तो वही मान यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आर डिग्री डेल्टा टी, इसको हम समीकरण तीन नाम दे देते हैं। अब इसको हमने समीकरण तीन मान लिया है, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस जो आर डिग्री है इसको उस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू आर टी को एक साइड, और क्या करेंगे हम, अल्फा आर डिग्री डेल्टा टी माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस आर डिग्री, तो हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, आर डिग्री दोनों साइड कॉमन है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जैसे इसको कॉमन लेंगे क्या बचेगा अंदर, अल्फा डेल्टा टी प्लस वन। तो ये प्रतिरोध के ताप पर निर्भरता के लिए फॉर्मूला आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब